पार्टी हर चीज की बोरी होती है, चाहे पैसा हो, चाहे फेम हो, चाहे कॉन्फिडेंस हो और क्या नहीं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करना चाहूंगा Realme की, जो कि आज की डेट में मुझे लगता है कि कुछ इस चीज का शिकार हो रही है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि माधव सेठ वैसे तो बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन है जो कि इस कंपनी को लीड कर रहे हैं, लेकिन एज अ होल आई थिंक कुछ डिसीजंस ऐसे अभी रहे हैं जिससे कि लगता है कि शायद उनमें कुछ घमंड की सेंस आ गई है, नॉट माधव में बट एज अ कंपनी ओवरऑल विद रिस्पेक्ट टू द डिसीजंस दे आर मेकिंग। तो दोस्तों, इस वीडियो में कुछ ऐसे ही पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे जिससे ये जाहिर होता है कि Realme कुछ ऐसा कर रही है और एज ऑफ नाउ अपने नए प्रोडक्ट को लेके ज्यादा ही कॉन्फिडेंट है या फिर ओवर कॉन्फिडेंट भी है, वो मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा और गौर से समझिएगा। मेरा नाम हरजोत है, आप देख रहे हैं फॉर द लव ऑफ गैजेट्स। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को जरूर हिट कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और तो और कमेंट कीजिएगा कि आपका क्या सोचना है इस बारे में, और कोई फीडबैक हो तो जरूर दीजिएगा, हम चैनल को इम्प्रूव करेंगे। और लास्ट में, जो Realme के फैंस हैं दोस्तों, मेरी Realme से कोई जाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये कुछ पॉइंट्स हैं एज अ नॉर्मल यूजर आप इनको समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद अगर आपको नहीं अच्छा लगता आप मोस्ट वेलकम है वीडियो को डिसलाइक करने के लिए, बट अपना कमेंट जरूर दीजिएगा कि आपने क्यों डिसलाइक किया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर वन, Realme जो लॉन्च सेरेमनी कंडक्ट कर रही है उस पे एक कंडीशन ऐसी है जिससे जाहिर होता है कि Realme ने सिर्फ Realme यूजर्स को ही अलाउ किया है इस सेरेमनी को ज्वाइन करने के लिए। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, क्या Realme नहीं चाहती कि नॉन Realme यूजर्स उनके साथ जुड़े, Xiaomi यूज करने वाले लोग उनके साथ जुड़े, OnePlus यूज करने वाले लोग उनके साथ जुड़े, Samsung यूज करने वाले लोग उनके साथ जुड़े, तो क्यों नहीं उन्हें भी ये अपॉर्चुनिटी दी गई कि वह इस लॉन्च सेरेमनी को ज्वाइन कर सके। 25% सीट्स उनके लिए रिजर्व कर देते जो Realme यूजर्स नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ वही लोग ज्वाइन कर पाएंगे जो Realme के यूजर्स हैं। क्या ये बायसनेस नहीं है उन लोगों के साथ जो अभी Realme के यूजर्स नहीं या जिनके पास Realme फोन नहीं? तो क्या इससे लगता नहीं कि Realme बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है? Xiaomi ने अभी लॉन्च सेरेमनी करी, उन्होंने सबको इन्वाइट किया। Vivo ने V15 Pro जब लॉन्च किया तो सभी लोग आए थे, चाहे वे Samsung यूज करते हैं चाहे वे Xiaomi यूज करते हैं। हाँ, उन्होंने पूछा जरूर, इनफैक्ट मेरे पास 3-4 फोन हैं, तो मैंने बोला हाँ मेरे पास Vivo का फोन है, बट देन ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी कि आप तभी जा पाएंगे अगर आप Realme के यूजर हैं। तो दोस्तों, ये था पॉइंट नंबर वन। अब चलते हैं पॉइंट नंबर टू की तरफ। पॉइंट नंबर टू हमारा रहेगा रीसेंट वीडियो जिसमें वो कहते हैं कि उन्हें एक फोन मिला, गिरा हुआ या पड़ा हुआ फोन मिला, और उन्होंने वो पिक करके उनको लगा कि वो Realme 3 Pro है। दोस्तों, आज की डेट में ऐसा हो सकता है, और इत्तफाक दीजिए वो फोन उन्हीं का वेट कर रहा था कि वो आए पिक करे और वीडियो बनाए। दोस्तों, ये क्लियर कट एक स्ट्रेटेजाइज प्लान था कि वो लोगों को एक फर्स्ट लुक देना चाहते थे कि कैसा होगा फोन। सीरियसली दोस्तों, दैट इज अ पुअर स्ट्रेटेजी, क्योंकि उस फोन को देखने के बाद आई एम नॉट दैट एक्साइटेड कि Realme 3 Pro कैसा लगेगा। अब कुछ पॉइंट्स और डिस्कस करते हैं इसी के अराउंड। अगर ये स्ट्रेटेजाइज नहीं है, Realme ने क्या एक्शन लिया उनके अगेंस्ट? क्योंकि आप सब जानते होंगे कि प्रोडक्ट मिलता है अनबॉक्स के लिए, तो देर आर सम कंडीशन कि आप लॉन्च सेरेमनी से पहले नहीं दिखा सकते, लेकिन उन्होंने फिर भी दिखाया। क्या Realme ने कोई एक्शन लिया उनके लिए? वो वीडियो हट गई है और कई लोगों ने वो वीडियो रिकॉर्ड करके अपने अपने चैनल्स पर डाल के सब्सक्राइबर्स और लाइक्स वगैरह ले लिए हैं। अभी भी वो वीडियो उनके चैनल पर नहीं है, लेकिन वो वीडियो अभी भी एयर आपको मिल जाएगी। सो डू यू थिंक ये राइट तरीका था? जैसा कि मैंने कहा, Realme ने कोई एक्शन नहीं लिया, और तो और ये सुनने में आ रहा है कि उनका CEO जो है माधव सेठ, उनके साथ एक लंच या ब्रेकफास्ट व्हाटएवर वो प्लान किया गया है। आई मीन व्हाट फॉर, इस स्टेप के लिए? आई मीन इट्स टोटली स्ट्रेंज। इनफैक्ट हमारे एक और यूट्यूबर भाई हैं, खैर मैं उनको सीनियर बोलूंगा क्योंकि मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है उनका यूट्यूबिंग में, उन्होंने बताया कि उनसे Realme के कुछ फोन्स वापस ले लिए गए क्योंकि उन्होंने जो कॉन्स बताया Realme को पसंद नहीं आया। आज के टाइम पे कंपनी को सपोर्ट होना चाहिए, अगर कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं उन पर वर्क करके उनको इम्प्रूव कीजिए। यूट्यूबर्स कांट ओनली बी द वे टू इंक्रीज सेल, वी आर देयर आईज एंड ईयर्स, ताकि उनको हम हेल्प कर सके। अगर आपके फोन में कोई अपॉर्चुनिटी है उसको आप ठीक कीजिए। और जहां तक उनकी वीडियोज होती हैं, वो बहुत हद तक प्लस माइनस दोनों बताते हैं, कभी भी उन्होंने ऐसे फोकस नहीं किया कि ये नेगेटिव्स हैं जी फोन एकदम बकवास है, नहीं। हालांकि कई यूट्यूबर्स हैं जो एकदम ही शुरू हो जाते हैं फोन को, ये तो प्लास्टिक है, ये है, एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक होना चाहिए जो वो हमेशा लगभग देते हैं,
परफेक्ट तो आज की डेट में कोई नहीं है, लेकिन कुछ यूजर्स हैं जो डिस्ट्रक्टिव यूट्यूबर्स हैं, डिस्ट्रक्टिव फीडबैक देते हैं, बट उन्होंने मोस्टली कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दी और उनसे फोन वापस ले लिया, उन्होंने वीडियो में जाहिर भी किया। तो दोस्तों क्या ये सही डिसीजन है? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब एक नया ट्वीट आया उनकी तरफ से कि एक दिन और है, एक सरप्राइज और है। खैर वट एवर द केसेस, बट द वे दे हैव कम अप सो फार इट्स नॉट बीन गुड। हमारा तीसरा पॉइंट, ब्लाइंड ऑर्डर। या दोस्तों ब्लाइंड ऑर्डर का जो एक्सपीरियंस है वो भी लगभग मिक्स बैग ही रहा है। हम में से कई लोग अग्री करेंगे कि जैसे ही 19th रात को ब्लाइंड ऑर्डर प्रोसेस करने की सेल शुरू होती है, आपको स्ट्रेट अवे मैसेज आना लग जाता है, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, जो भी कंसर्न, मुझे मैसेज पूरा याद नहीं लेकिन वही मैसेज आता है। सेकेंडली, उसी दिन अगर आप दोपहर को 12 नून में ट्राई करते हैं तब भी ये मैसेज आ रहा है। लोग रात से परेशान हैं, लगे हुए हैं, इससे अच्छा तो आप ऐसा तरीका लाइए, आप रजिस्टर कराइए लोगों को, इकट्ठे नाम हाईलाइट करके शो कर दीजिए। दिस इज नॉट एक्साइटमेंट, लोग परेशान हो रहे थे लिटरली। आई वॉट कमेंट्स इन माई प्रीवियस वीडियो जो कि इसी के अराउंड थी कि ब्लाइंड ऑर्डर कैसे रेस करना है, लोगों के पास लिटरली नहीं आ रहा। और तो और, जो उन्होंने स्टेप्स दिए थे वो गलत हैं। सिंपली क्यों? क्योंकि रजिस्टर का बटन आपको दिखता ही नहीं। आपको जब आप लिंक पे क्लिक करते हैं, आप वीडियो देखेंगे, आपको सीधा एक नया पेज ओपन होता है जिसपे आपको Realme के R आइकॉन पे क्लिक करना होता है, फिर आपको एक अलग पेज मिलता है, देन यू गो टू एन ऑप्शन जहां पे आपको ऊपर दिया होता है प्ले द रियल गेम नाउ, Realme 3 Pro गेम नाउ, और नीचे ब्लाइंड ऑर्डर का बटन है। वेर इन इंस्ट्रक्शन में लिखा है कि आप इस लिंक को क्लिक करेंगे आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। आई मीन वॉट इज दिस? सी, सो फार मुझे ये लग रहा है कि सक्सेस सिर चढ़ के नहीं, कुछ ज्यादा ही सिर चढ़ गई है। मेरा ये मशवरा रहेगा कि Realme जो है, आई मीन बाय द नेम इट साउंड्स लाइक डाउन टू अर्थ, आई थिंक दे आर लूजिंग दैट एसेंस, दे हैव टू थिंक अबाउट इट अगेन। ये अच्छी बात है कि उनके पास कुछ ऐसा है जिससे वे बहुत 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 कॉन्फिडेंट है, बट आई थिंक उनको होश नहीं खोना चाहिए। खैर इस वीडियो में इतना ही, आप अपने कॉमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये ऑब्जर्वेशन सही है। खैर बाकी अब देखते हैं कल क्या होता है, क्योंकि कल फोन लॉन्च होना है। However, I'm not that excited, but let's see. खैर देखेंगे तो सही, being a YouTuber, we need to know and we need to give you the update. खैर इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मेरा नाम हरजोत है दोस्तों, आप देख रहे थे For the Love of Gadgets. Take care, do like the video, subscribe the channel, bell icon को hit करें, comment करें, जो भी हमने discuss किया आपकी क्या राय है बताएं, कोई feedback हो तो जरूर share करें और कोई query हो तो जरूर पूछें। नमस्कार, जय हिंद।